बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू की एक स्पेशल और बिल्कुल नई रेसिपी लेके आया हूँ। आज आलू को बिल्कुल नए अंदाज से पकाएंगे और इंशाल्लाह इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी होगी और देखने में भी खूबसूरत कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत आलू है। यहाँ पे कटिंग जो है ना वो थोड़ी सी अहम है, सो आपने कटिंग को ध्यान से देखना है। इस तरह से हम इसके स्लाइसेस काट लेंगे आलू के, और उसके बाद हर स्लाइस को हम इस तरह दो से चार पीसेस में डिवाइड कर देंगे। एक्चुअली आपने इनको क्यूब्स में काटना है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है कटिंग करने का। इस तरह से जब कटिंग हो जाएगी, तो क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा क्रिस्पी जो है टच देना है, तो आपने इसको पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह से धो लेना है। ये देखिए, इसका जो स्टार्च सा होता है इसको आपने रिमूव कर लेना है। एक से दो दफ़ा आप पानी से खुले से धोएंगे तो ये इसका स्टार्च जो है रिमूव हो जाएगा। ये देखिए आप, इसमें आप भी आपको काफ़ी स्टार्च नज़र आ रहा है, और ये जब हमने धो लिया तो पानी बिल्कुल साफ है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और बात कि यहाँ पे आपने हरी मिर्चों की कटिंग जो करनी है इस रेसिपी में, वो थोड़ी सी मोटी मोटी करनी है। इससे टेस्ट में भी फ़र्क आएगा और लुक्स भी चेंज होंगी। ये देखें आप, ठीक हो गया। इनको अब हम साइड पे कर देते हैं, चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी एक कढ़ाई लेंगे और इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल सिर्फ 4 से 5 टेबलस्पून, ठीक हो गया, या 1/4 कप आप कह लें। और बहुत गर्म नहीं करना, उसमें हमने इन आलुओं के क्यूब्स को ऐड कर देना है और हाई फ्लेम के ऊपर हमने इनको पकाना शुरू कर देना है, फ्राई करना शुरू कर देना है। कब तक? जब तक इनके ऊपर ये रेड से गोल्डन से डॉट्स नहीं आते, ठीक है। इससे ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे और इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा टोटली। 1/2 टीस्पून इसमें साबुत जीरा ऐड कर देंगे खुशबू के लिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून। अच्छे से अब इस अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट ज़रूर पकाएंगे, ताकि पानी के बगैर ऑयल के अंदर इसकी भुनाई हो सके, स्मेल दूर हो और खुशबू आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप किया हुआ यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे और इसको हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। स्टार्ट में प्याज इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वरना प्याज जो है वो ब्राउन हो गया तो उसका टेस्ट और आ जाता है, जो इस रेसिपी में मैच नहीं करेगा। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई गाजरें ऐड करेंगे येलो कलर की, ये खुशबू फ्लेवर टेस्ट का तो काम करेंगी, साथ ही खूबसूरती में भी इजाफा करेंगे। ये है हमारे पास येलो कलर में कैप्सिकम, शिमला मिर्च अवेलेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज डजंट मैटर। और यहाँ पे है टमाटर, टमाटर को आपने थोड़ा सा ना क्यूब्स में मोटा मोटा काटना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एंड तक अपना जो वजूद है उसको बरकरार रखें। इससे खूबसूरती भी आएगी और इसकी एक क्रीमी टेक्सचर भी फील होगा। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, और ये है हल्दी 1/2 टीस्पून, ठीक हो गया। और ये है 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, और मज़ीद इसके अंदर हम मसाले, गरम मसाले, ये वो चीज़ें ऐड नहीं करने वाले। ज़ीरा हम ऑलरेडी ऐड कर चुके थे, गरम मसाले की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बिल्कुल लाइट सा फ्लेवर रखना है हमने इन आलुओं का। अच्छे से भुनाई कर देने के बाद अभी भी इन आलुओं में थोड़ी सी कसर बाकी होगी पकाई की, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हल्का सा पानी इसमें ऐड करेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून जस्ट, ये लें जी। और उसके बाद हम इसका जो एकदम मिक्स करके फ्लेम को है हम लो कर देंगे और ऊपर रख देंगे ढक्कन। हमें ये आलू बिल्कुल कह लें कि पके हुए चाहिए, लेकिन ऊपर की इनकी स्किन क्रिस्पी ही रहेगी, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट का हमने इसको दम लगाया था, अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। और वो जो हरी मिर्च हमने स्टार्ट में कटिंग की थी ना, वो अब इसमें ऐड करेंगे। अब ऐड करने से उसका क्रंच भी बाकी रहेगा, खुशबू भी ताज़ी रहेगी और पूरी रेसिपी को ही एक ये नया टच देगी। हरा धनिया ऐड कर देंगे खूबसूरत सा ग्रीन कलर का, और इसकी करेंगे मिक्सिंग। फाइनल लुक को मिस नहीं करना, देखते हैं इसकी फाइनल लुक कैसी आती है। अब आपने इसकी पकाई नहीं करनी, ठीक है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमते नेमते और बरकते जदि उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो यमी एंड टेस्टी बहुत ही शानदार रेसिपी आपके लिए तैयार है, पोटैटो रेसिपी। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।